भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खेलने उतरेगी। इसका इंतजार तमाम क्रिकेट फैंस को है। बारिश की वजह से पहले दिन का खेल पूरी तरह से धुल गया था। भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच 18 से 22 जून तक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में आईसीसी द्वारा आयोजित पहला फाइनल मैच खेला जाना है। अब पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ने के बाद आईसीसी द्वारा एक नया नियम इस मैच पर लागू कर दिया जाएगा और इस मैच के समय में भी बदलाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको बताएंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगली आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथहैम्पटन में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC के फाइनल के पहले दिन बारिश की वजह से एक भी गेंद का खेल नहीं हो पाया। इस तरह अब यह तय हो गया है कि जरूरत पड़ने पर मैच का नतीजा निकालने के लिए यह फाइनल मुकाबला रिजर्व दिन में ले जाया जाएगा। पहले दिन बारिश की वजह से टॉस भी कराया जाना संभव नहीं हो सका। दूसरे दिन का खेल जल्द ही शुरू किया जाएगा और पहले दिन बर्बाद हुए ओवरों की भरपाई करने की कोशिश की जाएगी। आईसीसी के नए नियम के मुताबिक फाइनल मुकाबले के लिए रिजर्व दिन रखा गया है, लेकिन उसका इस्तेमाल उसी स्थिति में किया जा सकता है जब किसी वजह से खेल के खराब हुए समय की भरपाई नियमित दिनों में नहीं हो पाती है। ऐसे में यह सुनिश्चित है कि बाकी के बचे 4 दिनों के अंदर एक दिन के खेल की भरपाई नहीं की जा सकती है। ऐसे में यह मैच जरूरत पड़ने पर रिजर्व डे यानी छठे दिन भी खेला जाएगा। शुक्रवार को बारिश की लुका छिपी के बीच एम्पायर्स ने भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे दिन का खेल रद्द करने की घोषणा कर दी। अब आज फिर से इस मैच को दोपहर 2:30 बजे से शुरू किया जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।